तो हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं झांसी महोत्सव में और बहुत अच्छी सजावट है। हम लोग अंदर जाएंगे, आपको बताएंगे कैसा लगता है सब। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आगे तक ये वीडियो। काफी अच्छी व्यवस्था है सैनिटाइजेशन वगैरह की, ताकि कोरोना पॉजिटिव ना निकले कोई भी। बिना मास्क के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मतलब पहले आप मास्क खरीदें फिर अंदर जाइए। काफी अच्छी सिक्योरिटी भी है और ये सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था है और हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग काफी सारी मौज मस्ती करेंगे। हमारे साथ हमारी पूरी गैंग आई हुई है। अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स भी लगी हैं, मतलब ये आप लोग आ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे की चेन्स हैं, जूते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब हर काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, मतलब मार्केट रेट से भी सेल्स भी है यहाँ पे। और काफ़ी मतलब आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे जिनको मान लीजिए शॉपिंग पसंद है वो शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप खा भी सकते हैं और बच्चों के साथ आप झूले भी झूल सकते हैं। मतलब एक काफ़ी अच्छा, मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका यहाँ पे आना, तो वर्थ इट है आना। मतलब हर साल लगता है तो आप हर साल लगता है, मतलब आते रहिए, काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी मज़ा आता है सबसे बड़ी बात। और एक मंथ लगता है पूरा, आप लोग आइएगा। मतलब कुछ कुछ भी होते हैं एक्चुअली यहाँ पे, आर्ट की भी काफ़ी शॉप्स हैंगी, हम लोग अभी वो दिखाएंगे आपको। तो वहाँ पे आपको तरह तरह की मतलब आर्ट देखने को मिलेगी, कल्चर देखने को मिलेगा, हैंडक्राफ्ट देखने को मिलेगा काफ़ी, तो वो आप घर पर भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अभी चलिए देखते हैं। ऑलमोस्ट सारी दुकानें लग चुकी हैं अब, क्योंकि दो तीन दिन हो गए हैं तो दुकानें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोग आइए और विजिट कीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा। सस्ती में मस्ती, सस्ती में मस्ती, सस्ता मस्ता एंड टिकाऊ। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए जाइंट भी दिख रहा होगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये जैसी एंट्री देते हैं हम, ये सबसे पहले हमें जाइंट भी दिख रहा है। तो मौज काटेंगे। इसको डर नहीं लगता है, ऐसे पूछिए। ओवेस को जो डर लगता है लग रहा है,
क्या आपको डर लग रहा है? थोड़ा बहुत सबको लगता है, देखिए शुरू शुरू में सबको होता है, होता है। बोट राइड पर जाने वाले हैं, आपको कैसा लग रहा है? अरे और क्या हुआ? जी जी गालियां नहीं जी, देखिए ये हमारे संस्कार हमें ये नहीं सिखाते भाई। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। झूले पे बैठ के नहीं, आप तो बैठ चुके हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। भैया आपको डर लग रहा है झूले पे बैठ के नहीं? देखिए भैया कितने ब्रेव हैं और बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। और ये बच्चा देखो आगे बैठ गया है, बच्चे डर लग रहा है। बच्चे का ध्यान रखिए, बच्चा खोए ना। हाँ कृपया अपने बच्चों को थोड़ा पकड़ के बैठिएगा, अपने बच्चों को जेब में रखिए। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए डर तो सबको लगता है, डर सबको लगता है, बस कुछ ही लोग डर के आगे जीत बना पाते हैं। और ये झूला चलने लगा है, और ये झूला चल चुका है, रख सकते हैं हम लोग, अंदर रख लीजिए। क्या कह रहे हैं? अंदर रख लो। ब्लॉग बनाता रहूंगा गाइस, आप लोगों को आखिरी अपडेट देता रहूंगा, आप लोग बने रहे हमारे साथ, कोई चिंता की बात नहीं है। A few moments later. हर्षित भाई आपको कैसा लगा? रजत भाई आपको कैसा लगा? एक राउंड और बंद सके। तो ऋषभ हम लोग नेक्स्ट कौन से झूले की राइड करने वाले हैं? हम लोग जाने वाले हैं जॉइंट व्हील पर, काफी मजा आता है उसमें और काफी अच्छा व्यू आता है, तो हम लोग आपको वहाँ से व्यू दिखाएंगे। सब डर तो बहुत लगता है, काफी लगता है, मजा आया। A few moments later. Guys, तो झूला झूल चुके हैं, बस हम लोग रुकने वाला है। हम लोग को आसमान में लटका दिया गया है। आसमान में लटके हुए हम लोग, काफी ऊंचाई पे देख सकते हैं आप लोग, धीरे धीरे करके नीचे जा रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ से नीचे गिरे तो क्या होगा आप बताइए? आप बताइए, लेकिन अगर यहाँ से कोई नीचे गिरा या फिर उसका फोन गिरा तो उसका क्या होगा? फिर भी हम लोग आपके लिए, आप लोग दिखाने के लिए रिस्क ले रहे हैं। तो ये नया आया है 45 फीट ऊंचा डायनासोर, और इसमें अंदर डायनासोर है। 40 रुपये टिकट है, आप लोग देखिएगा।
गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग डायनासोर जो पार्क बना हुआ है इसके अंदर आए हुए हैं और इसमें डायनासोर का ऐसे एनिमेशन टाइप बना हुआ है कुछ और ये आवाज़ निकाल रहा है और लोगों ने साउंड वगैरह कुछ अच्छी व्यवस्था कर रखी है ताकि हमको थोड़ा सा रियल वाला फील आए बट ऐसी कुछ नहीं है सिर्फ एनिमेशन है। हम लोग का काफ़ी अच्छा रहा मतलब हम लोगों ने खाया पिया काफ़ी और घूमा भी और राइड्स भी ली हम लोगों ने तो एक राइड भले ही अच्छा नहीं लगा और ने थोड़ा धीमा चलाया लेकिन ठीक है ठीक रहा मतलब आप मतलब यहाँ पे फैमिली के साथ आइए राइड्स करिए खाइए पिए कपड़े खरीदिए कुछ भी खरीदिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ट्रेडिशनल पोट्री वगैरह भी है हम लोगों ने वो भी देखा तो काफ़ी पसंद आया हम लोग को सारे पैकेज है एक ही जगह पे समझ लीजिए क्रॉकरी वगैरह सब आइटम है सेल्स है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े वगैरह क्रॉकरी आइटम है। रजत कैसा लगा तुम्हें? रजत के ओके इट वाज नॉट सो गुड पैसा बर्बाद। एक्सपीरियंस कैसा लगा मतलब यहाँ आना वर्थ इट है या नहीं है? इट इज वर्थ इट एक्सेप्ट सम झूलास हिंदी बोल नहीं तुम्हारी अमेरिका अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बाय बाय टाटा।